वाराणसी नौ रजिस्ट कमिश्नरेट में कुछ महीने कार्य किया। उसके बाद मैं एसपी सिटी के रूप में आगरा गया। उसके बाद वहीं प्रमोट होकर डीसीपी के रूप में पिछले 7 महीने से कार्य कर रहा था और अभी आपके जनपद में आया हूं और आप लोग के सहयोग से हम लोग अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। क्या प्राथमिकता रही सर? अब वो सब बता देते हैं। अब ये मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा था, बाकी क्या प्राथमिकता रही सर? चार सम्मान लिया है, जिले की कानून व्यवस्था को किस तरह की दुरुस्त करने के लिए किस तरीके की कार्यशैली रहेगी आगे की? मैं एसपी फतेहगढ़ यहाँ पर कानून व्यवस्था को मजबूत करूँगा और अपराध में कमी लाने के लिए कार्य करूँगा। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम ये सबसे प्राथमिकता होगी। इसके अलावा माफियाओं के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है वो जारी रहेगी और उसमें और भी गति लाई जाएगी और गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत जो कुर्की कार्यवाही चल रही है वो भी जारी रहेगी और उसमें भी तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा जो संगठित अपराध हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उस पर भी प्रहार किया जाएगा और उसको पूरा का पूरा ध्वस्त किया जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था पे हम कार्य करेंगे और यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को एक संगठित रूप से और सभी विभागों का सहयोग प्राप्त करके उसको व्यवस्थित करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। इसके साथ हम सभी जो जनता की शिकायतें हैं उसका निराकरण करेंगे और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे और पूरे जनपद की जनता के सहयोग के साथ, यहाँ के पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ हम इस जनपद को चलाएंगे। थैंक यू।